हे hey, मैं हूं आफ्ताब। आप देख रहे हो मुझे, मैं देख रहा हूं आपको। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मैकटेक लर्निंग, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी लर्निंग में। तो आज के इस वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे कि 4x4 व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव क्या होता है। ये दोनों जो होते हैं ये फोर व्हीलर में यूज किए जाते हैं, तो क्या दोनों में क्या डिफरेंस है आज के इस वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये कैसे काम करेगा। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 4x4 व्हील ड्राइव क्या होता है। देखिए, जब भी रोड पे गाड़ी चल रही होती है तो उसको ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो सेम स्पीड पे ही चलेगा उसको, और एकदम मतलब सीधा रोड पे चलेगा, उसको लेफ़्ट और राइट टर्न भी लेना पड़ता है। तो आइए हम लोग इससे समझते हैं। ये मैंने एक गाड़ी का ये एक सपोज़ ये मॉडल बनाया हुआ है, तो इससे मैंने समझते हैं कि ये कैसे काम करता है 4x4 व्हील ड्राइव। ठीक है, देखिए ये सपोज़ ये गाड़ी है, ये रोड पे चल रही है, तो इसको ज़रूरी नहीं है ये सीधा ही चलेगी, इसको तो भाई टर्निंग आएगा तो इसको लेफ़्ट और राइट टर्न लेना तो पड़ेगा। तो अगर ये सीधा चल रही है, अगर इसको कहीं पे टर्न लेना पड़ेगा तो क्या होगा, ये जो अंदर की जो व्हील्स हैं, अंदर के व्हील्स को कम रोटेशन मिलेगा बाहर के व्हील्स के मुकाबले। या फिर अगर गाड़ी अगर सेम स्पीड पर चल रही है तो अंदर की व्हील जो होगा वो उसको एक्स्ट्रा रोटेट करना पड़ेगा। तो इस दोनों कंडीशन में क्या होगा, ड्राइवर पे असर आएगा, ड्राइविंग पे असर आएगा। इससे होगा ये कि आपका जो गाड़ी है अनस्टीयर हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, एक्सल टूट जाएगा, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं इसको ये होने से। इस कंडीशन में क्या होगा कि आप मतलब इंज्योर भी हो सकते हैं, कहीं भी मतलब गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम का दूर करने के लिए गाड़ी में लगाया गया है एक नाम है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल जो होता है वो फुल्ली तरह से मैकेनिकल डिवाइस है। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग ये जानते हैं। देखिए, यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे इंजन लगा होता है, यहाँ पे इंजन लगा होता है, इंजन से पावर मिल रहा होता है, इंजन से पावर मिलेगा तो वो आएगा डिफरेंशियल के पास। डिफरेंशियल जो होता है उसको दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देगा। बस यही काम होता है डिफरेंशियल का कि इंजन से पावर लेना और व्हील्स तक को पावर पहुंचाना दोनों पार्ट में, यानी दोनों व्हील्स में वो पावर पहुंचाता है, पावर को डिलीवर करता है। यही काम होता है डिफरेंशियल का। आइए हम लोग इसको ऐसा समझते हैं कि एक व्हील्स जो है रोड पे है और दूसरा जो व्हील्स है वो वाटर पे है, एकदम पानी पे है, स्मूथली सरफेस पे है। तो इंजन से जब पावर मिलेगा तो हमारे व्हील्स तक आएंगे। व्हील्स तक आने के बाद से जो हमारा डिफरेंशियल होगा वो जितने जो व्हील्स को जितना पावर का रिक्वायरमेंट होगा उसको डिलीवर कर देगा, और जिस जो व्हील्स को जितने कम पावर का रिक्वायरमेंट होगा उसको उतना डिलीवर कर देगा। बस यही काम होता है डिफरेंशियल का कि जो जितना चाहता है उसको उतना दे देता है, जो जितना नहीं चाहता है उसको उतना नहीं दे पाता है। और अब हम बात करते हैं ऑल व्हील ड्राइव की। ऑल व्हील ड्राइव जो होता है दोस्तों, इसमें तीन डिफरेंशियल का यूज किया जाता है। एक होता है यहाँ पे, एक आगे लगा होता है, दूसरा बीच में लगा होता है, और तीसरा जो होता है वो यहाँ पे लगा होता है। एक यहाँ पे लगा होता है, एक बीच में, और एक आगे लगा होता है। ऑल व्हील ड्राइव जो होता है वो सबसे सेफेस्ट कार माना जाता है। ऑल व्हील ड्राइव कार जो होता है इसको स्पोर्ट्स कार में इसको यूज किया जाता है। जैसे आपको बता देता हूँ कि डस्टर हो गया, जैसे आपको उसूबारो हो गया, ये सब जो जितने भी मतलब हैवी कंपनी की कारें हैं इसमें यूज किया जाता है। और भी कारें होंगी जिसमें यूज किया जाता है, लेकिन मुझे जो पता है वो यही पता है कि इन्हीं कारों में इसका यूज किया जाता है। ऑल व्हील ड्राइव जो होता है वो इंजन से पावर लेता है और अपने चारों व्हील्स को पावर दे रहा होता है, नो मैटर कौन सी व्हील्स को कितना पावर चाहिए। तो इसीलिए इसको ऑन द रोड आप यूज करते हैं। अगर ऑफ द रोड यूज करेंगे तो ऑफ रोड में इसको ये होगा कि पावर डिलीवर में फ्लक्चुएशन आएगा और वहाँ से मतलब ये उतना सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा ऑन द रोड के मुकाबले। तो यही था बस एक छोटा सा नॉलेज जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना था कि 4x4 व्हील ड्राइव क्या होता है और ऑल व्हील ड्राइव क्या होता है। अगर वीडियोस में अगर कोई थोड़ा बहुत मिस्टेक आया होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ यहाँ पे या कोई मतलब गलती हो गई है, या फिर समझाने के तरीके में कोई गलती हो गई हो तो मैं अगले वीडियोस में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आप लोग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित रहिए। आप लोगों से हम फिर मिलता हूँ एक नए वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।